हेलो दोस्त, कल एक वीडियो लोगों ने शेयर कर रहे थे, WR का अब सेकंड डीबी नहीं आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग होगी। तो देखिए, आज जन्माष्टमी है और समझ सकते हैं कि आप लोगों का तकलीफ बढ़ते जा रहा है लोगों का, क्योंकि डीले हो रहा है, यानी कह सकते हैं छुपा लुका का खेल चल रहा है। यानी कुछ लोग बार बार RRC को फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं देंगे, फ़ोन रखो अब नहीं देंगे। लेकिन कई सारी चीज़ें हकीकत यह है कि सीट को भरना है। तो कल ही वीडियो हमने बनाए थे कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे WR का भी बहुत समय बाद एक नोटिस आया है जिसमें 643 कैंडिडेट को मौका मिला है। हमें तो अपनी PDF ढूंढने में ही टाइम लग गया कि इतना पहले करीब 1.5-2-3 महीने के आसपास हो गए मेजर अपडेट में। छोटा एक अपडेट एक बीच में आया था। तो यहाँ कम्युनिटी वाइज कटअप भी दे दिया है। तो UR के लिए 68.17, SC के लिए 55.89, ST के लिए 64.39, OBC के लिए 63.9 और EWS के लिए 58.58। नंबर ऑफ कैंडिडेट और रोल नंबर, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो दिया हुआ है लेकिन रोल नंबर नहीं है। हो सकता है एक दो दिन में आ जाएगा आपका। लेकिन इससे ये क्लियर होता है कि सभी कम्युनिटी का दिया हुआ है, तो सभी कम्युनिटी के कुछ ना कुछ कैंडिडेट हैं। किस कम्युनिटी के ज़्यादा हैं वो कटअप देखने के बाद पता चलेगा कि कितना कटअप कम हुआ, उसको समझेंगे। तो चलिए, सब बिना देर किए हुए आपको समझाने के लिए ले चलते हैं। और ये नहीं सोचिएगा कि इतना ही आएगा, इसके बाद भी आएगा। और इसमें 3rd DB भी लिखा हुआ है, ये भी देखिएगा। हम 2nd DB की बात कर रहे हैं, हम लोग 2nd DB की बात कर रहे हैं, लेकिन WR में जो लिखा हुआ है वो 3rd DB लिखा हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन वाले में, तो ये नोटिस फॉर, ये एक मिनट, WR का कहाँ गया जी, इसमें अभी शो नहीं हो रहा है फिर से। हाँ, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिस दिख जाएगा CBT वाला का। ये नोटिस वेरीफाई के बाद था, एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए। फिर से वो पैनल दिख नहीं रहा है जी, लिंक नहीं दिख रहा है। यहाँ से वेबसाइट से देख लीजिएगा, अभी इसमें कुछ एरर चल रहा होगा नेट की वजह से। अभी मैं डाउनलोड कर लिया हूँ तो दिखा दूंगा एक बार आपको। लेकिन यहाँ सबसे पहले अगर यहाँ WR की बात करेंगे तो दो चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा कि यहाँ स्टेटस क्या है, कितनी सीटें थी, कितने लोगों को लेगा और क्या कंडीशन थी। तो देखिए, अभी तक नॉर्मल कैंडिडेट का 7776 कैंडिडेटों का पैनल आ गया था और 1067 का CC और PWD का पैनल आ गया था। दोनों को घटाने के बाद अगर देखेंगे तो करीब करीब वैकेंसी के कुछ जो परसेंटेज बचती है वो ठीक ठाक अभी बचती है। यानी 2958 की जो सीटें हैं उसमें से 1067 आप घटा देंगे तो करीब करीब 1900 के आसपास दिखता है। RTI में 2100 की बात हो रही थी कि 2100 दिखाता है, 2100 प्लस दिखाता है। 1900 में 638 का आ गया है। तो अभी याद रखिए, 3rd DB और 4th DB तो आना ही आना है। जिनका नहीं हुआ है तो अभी इंतज़ार कीजिए, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये दिक्कत है लोगों के साथ। तो 638 कैंडिडेटों का अगर देखेंगे कटअप के रूप में, थोड़ा एक बार मैं देखूं कि कटअप कितना किस कम्युनिटी का कम हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि किसको सबसे ज़्यादा लिया है। तो देखिए, फाइनल कटअप फॉर नॉन फरवरी 4 DB वाला जो था वो देखिए 66.28 था UR का, 67.28 UR का था। और जो एक मिनट अभी का जो कटअप दिया है यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हम कटअप की बात कर रहे थे, 67.28 गया था UR का। उसमें से देखेंगे अभी जो कटअप अभी आए भी आया है, जो आपका 2nd DB की बात कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे, तो 67 से 65.17 यानी 2.1 के आसपास कटअप कम हुआ है। मतलब UR के कैंडिडेट अच्छे खासे लिए गए हैं जिनका नंबर मेरिट में ऊपर में ज़्यादा था, जैसा CR में हुआ है, WCR जबलपुर में हुआ है, आपका मुंबई में हुआ है। सेम पैटर्न लगभग है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। AC में देखिएगा 55.69 है AC कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ से देखेंगे AC पॉइंट के लिए तो यहाँ 56.36 यानी 56.36 से अगर देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे कटअप नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहें कि
करीब करीब 0.7 के आसपास कट ऑफ कम हुआ है, तो चलिए एक उम्मीद है थोड़ा सा लोगों का अभी जो आने वाले सीट है उसमें हो जाएगा जैसा कि अनुमान था। एसटी के लिए 54.39 हुआ है, पहले 55 पॉइंट कुछ था, तो 54.59 से यहाँ 55 पॉइंट देखिए 6 था, यानी यहाँ भी करीब करीब आधी नंबर के आसपास। ओबीसी की बात करेंगे 64.39 था जो डीबी का कट ऑफ था, वो 64 से आपका 63.97 हुआ, यानी करीब करीब कहें कि 0.4 के आसपास इनका कट ऑफ कम हुआ। ईडब्ल्यूएस का था 58.58 अभी हो गया है, और पहले जो था वो 58.87 था, तो ये करीब करीब 0.38 के आसपास इनका कम हुआ है, यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा यूआर का कम हुआ है, बाकी कम्युनिटी का डिजिट में कम हुआ है 0.3 से लेके 0.7 के बीच में, बाकी कम्युनिटी का कट ऑफ कम हुआ है कुल मिला के। लेकिन अभी भी आप देखिए आगे आने वाले दिनों में कुल मिला के इस रेशियो से लगता है कि 638 कैंडिडेट अगर टोटल दिए हुए हैं तो यूआर के 638 में करीब करीब 300 से 400 कैंडिडेट जरूर होंगे, 300 के आसपास इस रेंज में होंगे, बाकी ये कैंडिडेट इस कम्युनिटी से होंगे जो करीब करीब 300 के आसपास, यानी 50-50 का रेशियो होगा। लेकिन अभी जब डिटेल आएगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा इनके डीबी में, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं उनके लिए भी अभी स्कोप बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी सीटें जो बची हुई है वो करीब 1900 है और 638 का ही अभी पैनल आया है। तो वेट कीजिए, आप लोगों का अभी कुछ न्यूज आएगा, और एक मिनट फ़ोन हॉट का दिखा रहा है, एक मिनट कुछ इशू आ रहा है इसमें। अभी जो पैनल जितने लोगों का आया है उसको अगर देख लिया जाए कि कैसे नोटिस दिया है, 29 को दो डीबी चल रहा है उसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा वो डाउनलोड में दिक्कत आ रही थी, वो तो मैं डाउनलोड कर रखा था नोटिस, उसको आपको दिखाता हूँ, कई लोग आपको शेयर भी कर रखे होंगे, तो एक बार इस वजह से मैं आपको नोटिस है 1392 नंबर नोटिस है, इस नोटिस को एक बार देख लीजिए कि किनका किनका भी आया है, वो तो नहीं है, ओवरऑल नोटिस दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए वेस्टर्न रेलवे का ये नोटिस है, नोटिस में दिया हुआ है कि हमने कितने कैंडिडेट को कॉल किया है, 643 का थर्ड प्रोविजनल पैनल के बाद ये सब कुछ हुआ है, और यहाँ पे थर्ड डीबी लिखा हुआ है, हम तो सेकंड डीबी मान रहे हैं, अब पता नहीं थर्ड डीबी कैसे है, कुछ कैंडिडेट का रह गया था पीडब्ल्यूडी वगैरह वगैरह, उस हिसाब से पहले कम लोगों को बुलाया था, किसी को बाद में बुला गया था, लेकिन वो एक्चुअल डीबी था, ए डीबी है जिनके अगेंस्ट का है, तो चलिए सेकंड डीबी हो या थर्ड डीबी हो अच्छा है, यहाँ कट ऑफ दिया हुआ है जिसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, 29 से आपका जो है ब्लॉक डेट है डीबी के लिए, और एक्चुअल जो डेट है 20 से 26 तक के बीच में आपका डीबी होगा, तो आज है आपका 7/9, तो 7/9/2023 के बाद अभी आपको तैयारी करने के लिए 14-15 दिन है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और कुछ लोग कहेंगे कि बाकी डिटेल नहीं आएगी क्या, तो आपका बाकी डिटेल सारा अभी 1 से 2 दिन में आपको वेबसाइट पे हो जाएगी, लास्टली मंडे तक आपका डिटेल आ जाएगा, किन कैंडिडेटों का रोल नंबर है या नहीं वो बताएगा, नहीं बताएगा तो आपको कॉल लेटर के लिए जो लॉगिन होगी उससे आपको पता चलेगा कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। और तीसरा तो आप कट ऑफ देख ही रहे, कट ऑफ अगर से आपका नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।